हम आपको आज एक ऐसे मंदिर से रूबरू कराएंगे जहां की मान्यता है कि यहां पूजा अर्चना करने से आंखों की गई रोशनी भी वापस मिलने लगती है। इतना ही नहीं, नेत्र से संबंधित अन्य दूसरे रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सदियों से यहां नेत्र रोग से मुक्ति पाने के लिए देवी की आराधना करने की परंपरा चली आ रही है। मां नेतुला के नाम से विख्यात ये मंदिर बिहार के जमुई में स्थित है। श्रद्धालु यहां सोने या चांदी की आंखें भी चढ़ाते हैं। ये मंदिर देवी काली को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष दीपावली से छठ तक यहां एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को काली मेला के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय मलयपुर निवासी अशोक सिंह को जाता है। मंदिर की सुंदरता और इसका रख रखाव तो इतना बेहतर है कि इसे जमुई जिले का गौरव कहा जाता है। हजारों साल पुराना ये मंदिर जमुई मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सिकंदरा प्रखंड के कुमार गांव के समीप शमशान भूमि पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सच्चे भक्ति भाव से 30 दिनों तक लगातार दर्शन पूजन करने से भक्त की मुराद पूरी हो जाती है। आंख के रोगों से परेशान लोगों के लिए तो ये मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि नेतुला माँ के दरबार में कई अंधे व्यक्तियों को उनकी खोई हुई रोशनी मिल चुकी है। हालांकि हमारी टीम को इसका कोई पुख्ता प्रमाण हाथ नहीं लगा। अब हम आपको बताएंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वैसे तो माँ नेतुला मंदिर के 2600 साल पुराना होने का इतिहास है। 600 ईसा पूर्व भगवान महावीर गृह त्याग कर जब ज्ञान प्राप्त करने निकले थे, तब उन्होंने पहले दिन कुमार गांव में ही नेतुला माँ के मंदिर परिसर स्थित वट वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया था। साथ ही इसी स्थान पर अपने वस्त्र का त्याग भी कर दिया था। इसका उल्लेख जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ कल्प सूत्र में वर्णित है। नेतुला माँ को चंद्र घंटा का भी रूप बताया गया है। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में मंदिर में पूजा करने के विशेष समय के बारे में। वैसे तो यहाँ रोज ही भक्तों की भीड़ जुटी होती है, लेकिन प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। वहीं नवरात्र के दौरान माँ नेतुला की पूजा अर्चना का तो विशेष ही महत्व है। खास तौर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर तो प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं। क्षेत्र के सिद्धपीठ के रूप में विख्यात माँ नेतुला मंदिर में सती के पीठ की पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान माँ नेतुला की पूजा का विशेष महत्व होता है। यूं तो माँ नेतुला मंदिर के इतिहास के संबंध में कोई सटीक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैन ग्रंथों में माँ नेतुला मंदिर का वर्णन व इसके पौराणिक काल से होने की पुष्टि अवश्य मिलती है। तो ये थी मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर की विशेषता। अपनी अगली कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे ही विशेष महत्व वाले अन्य धर्मस्थल पर ले चलेंगे। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।